आना है क्यों? जैसे चल रहा है उस हिसाब से तो अपने को समझ में नहीं आता। हाँ, मोदी सरकार कैसा काम कर रहा है? एकदम घटिया काम किया है मोदी जो है। सो जो भी काम किया गरीबों के लिए ठीक किया, आज उसी का देन है। जो 5 लाख मिलने से कितने लोगों को भला हुआ? क्या 5 लाख? अरे जो आयुष्मान कार्ड से जो 5 उसका लाभ मिला, बहुत लाभ मिला। मोदी सरकार इस बार तो गयो गयो। हाँ, गयो। ऐसे कैसे गयो? एकदम गयो इस बार तो गयो। अब आपकी बार मोदी सरकार गयो। मुद्दा उद्दा है कुछ आप लोग की? ऐसी खाली रोजगारी बहुत है। क्या मुद्दा? खाने पीने का पब्लिक लोग कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं, इस बार बदलाव हो कि होना चाहिए? हर दफा बदलाव सरकार का होना चाहिए। एक सरकार अगर अपनी सीट में बैठा रहेगा तो अपना मनमानी चलाते रहेगा। लोकसभा चुनाव का माहौल है और एक बार फिर से दफालोप की टीम रांची के सड़कों पर उतरी है और लोगों की राय जानेगी कि इस बार झारखंड में रांची में लोकसभा के क्या मुद्दे हैं। देखिए, नेता जब चुनाव आता है तो नेताओं का जो दौर है वो जो भ्रमण का दौर है वो शुरू हो जाता है। नेता तब सड़क पर उतरते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादे जमीन पर कितना उतरता है वही देखने के लिए हम रांची की सड़कों पर उतरे हैं। ये हिंदपीढ़ी का इलाका है और हिंदपीढ़ी में इस बार क्या मूड है, क्या माहौल है, ये हिंदपीढ़ी वाले ही बताएंगे। आप एक बार कैमरे की नजर से देखिए ये हिंदपीढ़ी में किस तरीके से जो लोग हैं आसपास आपको बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रहमान है। रहमान जी, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं हिंदपीढ़ी के, क्या लगता है? आप बुजुर्ग आदमी है, तजुर्बेकार है, जानकार आदमी है आप। डेमोक्रेसी बचाना है। डेमोक्रेसी बचाना है क्यों? जैसे चल रहा है उस हिसाब से तो अपने को समझ में नहीं आता क्या लग रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? आम आदमी तो परेशान है। परेशान है आम आदमी, परेशान है। महंगाई वही है, बेरोजगारी वही है। जितना सीनियर सिटीजन की फैसिलिटी थी वो सब खत्म है। अच्छा, सब पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस हो गया है। तो क्या लग रहा है कि कौन बढ़िया काम कर सकता है, आपके जहन में है कुछ ऐसा? वो तो समझना होगा, अभी अच्छा, तो वक्त है। प्रधानमंत्री का जो ये कार्यकाल रहा 10 साल का, कितना उससे आप जो है ये है, संतुष्ट हैं आप? हम लोग तो संतुष्ट नहीं है। नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं है। और यहाँ जो 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही या फिर कहें अभी भी जो है गैर बीजेपी सरकार है, हम लोग के लिए तो हमको समझ में आता है कि वो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, हद तक ठीक है, लेकिन पूरे पूरा तो उसको भी नहीं बोला जा सकता। अच्छा, इस बार अच्छा हिंदपीढ़ी में कहाँ रहते हैं? हम हिंदपीढ़ी में उधर रहते, मारवाड़ी कॉलेज के पास। कुछ आप कहना चाहिएगा आपके इलाके में किसी तरह का कुछ विकास से संबंधित तो कुछ ऐसा काम हो जो नहीं हुआ? नहीं, हम परमानेंट आना जाना करते रहते हैं, इसलिए हम अभी उतना नहीं बता पाएंगे। अच्छा, क्या करते हैं आप ऐसे? हम रिटायर्ड आदमी हैं। रिटायर्ड आदमी है, पहले क्या करते थे आप? एचईसी में थे। चलिए, तो एचईसी का हाल अभी जो है उसको देख के क्या क्या लगता है आपको? 10 साल का हम लोग एरियर बकाया है अभी तक। हाँ, अभी तक पेमेंट कोई सरकार आके दे ही नहीं रहा है। सही बताइए, लोकसभा चुनाव है, हिंदपीढ़ी वाला क्या सोच रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? अरे हम लोग डेली कमाने खाने वाले, कौन नेता बनेगा कौन क्या बनेगा इससे हमको कोई मतलब नहीं। डेली कमाना डेली खाना, कोई भी बन जाए। हाँ चाचा, क्या कहिएगा? सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए। हाँ, मोदी सरकार कैसा काम कर रहा है? एकदम घटिया काम किया है। घटिया काम किया। क्यों, कैसे घटिया काम किया? बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। हाँ, आप किस चीज में आप मोदी सरकार का तारीफ कर रहे हैं? वो लोग तो बोल रहे हैं कि देश भी तो आगे बढ़ रहा है। देश को ले डूबा हो, पूरा देश को बेच डाला हो, एयरपोर्ट बेच डाला, ट्रेन बेच डाला, बैंक बेच डाला, अब क्या बाकी रह गया? क्या सही बात है जी? बेशक, मेरा LIC का पैसा डूब गया। LIC का पैसा तो 20,000 रुपया रखे थे, खत्म हो गया। इसे मोदी जी का क्या कसूर है? वही ना बेच दिया तब ना डूब गया भैया, ना तो रहता नहीं पैसा मेरा। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मोदी सरकार इस बार तो गयो गयो। हाँ, गयो। ऐसे कैसे गयो? एकदम गयो इस बार तो गयो। अब आपकी बार मोदी सरकार गयो। बोलने से चले जाएंगे? चले जाएंगे, बदलाव पूरा बोल रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा नहीं, 400 सब कुछ नहीं, अब इस बार पूरा देश बदलाव चाह रहा। अच्छा, रांची में क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या होने वाला रांची में? तो चुनाव के समय आएगा तभी पता चलेगा। संजय सेठ को जानते हैं आप? जी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जी, जानता हूँ। उनका काम से संतुष्ट है? काम हम लोग कभी तो हिंदपीढ़ी में आज तक कभी नहीं आए, 10 साल में कभी नहीं आए, हम लोग नहीं जानते।
कभी नहीं ऐसा कलों ने देखा उसको कोई नहीं। क्या भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक आलम। क्या करते हैं आप? सिलाई का काम करते हैं। क्या कहिएगा, बोल रहे हैं आपके लोग कि सरकार बदलना चाहिए, सही बात है? अब तो चांस मिलना चाहिए सबको, चांस तो मिलना चाहिए। वहाँ 10 सालों चला ली, चांस मिलना चाहिए। अभी मोदी सरकार क्या खराब काम कर रही है बताइए? अपने जगह में जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहा है, और लोगों को किसी समझ में आता है सही है, किसी समझ में आता है गलत है। तो अब क्या करिएगा, अब क्या हो रहा है वो तो आप ही समझ। आपको क्या लगता है बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो अभी तक कुछ नहीं सोचे, अभी तक कुछ सोच में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं, मोदी प्रधानमंत्री आपको? ठीक है अपना जगह, अपना जगह क्या होता है, मतलब आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या सोचते हैं? चांस दिया गया मोदी, दो बार बदलाव, एक बार और किसी को चांस दिया जाए तब कुछ समझ में आएगा। सर एक ही रन प्लेयर एक ही रन मारते रहेगा, दूसरा क्या खेलेगा, जीरो आउट रहेगा। बोल रहा है कि अच्छा प्लेयर अच्छा ना आज खेलेगा तो उसी को ना खिलाएगा, फिर क्या जाएगा, फिर दूसरा प्लेयर क्या करेगा? अच्छा ग्वाला टोली हम गए थे, वहाँ बोल रहा था कि बीजेपी को ही वोट करेंगे इस बार, बीजेपी का हम देंगे, बीजेपी को भी देगा, बीजेपी तो और कोई दूसरा को भी तो देगा। अब तो देखिए पहले 50 ओवर का मैच होता था, अब 20-20 हो गया, जो ज्यादा रन मारेगा जो ज्यादा विकेट गिराएगा वो। मुद्दा उद्दा है कुछ आप लोग की ऐसी खाली? रोजगारी बहुत है, खाने पीने का पब्लिक ले जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 60 रुपये किलो आलू खाइए, 30 रुपये किलो टमाटर खाइए भैया, अब कमाई है यहाँ पर ही पॉकेट में कुछ नहीं है ना, कमाई नहीं है। क्या कहिएगा, बोल रहे कमाई नहीं है? देखिए मेहनत करने से सभी को मिलता है, ऐसी बात नहीं है, घर में शो करेंगे तो थोड़ी आ जाएगा मेरे पास। और रहा सवाल मोदी सरकार का, तो मोदी सरकार घर बैठे किसी को नहीं देगा जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा। और रहा सवाल समुंदर को डूबने का कोई डर नहीं है, नाव को डूबने का डर है, अब नाव में जो चलेगा वो डूबेगा, या मोदी हो या राहुल गांधी। सरकार में रांची का मुसलमान कितना खुश है या फिर कितना संतुष्ट? देखिए हम तो खुश है, बाकी का नहीं जानते। आप संतुष्ट हैं मोदी जी के काम से? हाँ, हम से काम कर रहे हैं मोदी जी। अब अच्छा कर रहे कि खराब कर रहे मालूम नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं। हम मालूम कैसे नहीं है आपको, आप देश के नागरिक हैं? हम इस देश में जी खा रहे हैं, हम अच्छा हैं, बाकी कौन क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं। लीजिए तो फिर आपसे बात करने है, क्या मतलब? आप इधर आइए भैया, आप युवा है, यंग आदमी है, बताइए क्या कहिएगा, मोदी सरकार या फिर मोदी गवर्नमेंट के काम को कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं, और कैसे देखेंगे। रहा सवाल मोदी सरकार का, और जैसे कि हिंदपुड़ी का माहौल है तो हिंदपुड़ी में बहुत सारा चीज का तकलीफ है। अच्छा क्या क्या है बता दीजिए भाई। पहला तकलीफ मीटर का, बिजली ठीक है, पानी का है, ठीक है। बहुत ऐसा चीज है जहाँ पे आपको हिंदपुड़ी में सफाई नहीं दिखेगा। अच्छा रहा सवाल नगर निगम का सवाल, तो नगर निगम का भी यहाँ ठुल्ला है। इसके लिए कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार है? सरकार। सरकार हाँ, और नागरिक जिम्मेवार नहीं है? नागरिक कैसे जिम्मेवार, नागरिक का काम रहता है जाके कम्प्लेन करना, कंप्लेन ना करेगा जाकर तो कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ कंप्लेन करेगा, अपना रिपोर्ट करवा के आ जाएगा। और वहाँ का काम का आदमी लोग, कब से दिक्कत है? बहुत पहले से। आप यहाँ का नाली देख लीजिए, बहुत पहले से। हम लोग का ईद है, बड़ा ईद है, आप देख लीजिए नाली का फोटो, देखिए हिल नहीं रहा। अच्छा। पानी हिलेगा नहीं 2 मीटर तक। रहा सवाल बिजली बिल का, तो बिजली बिल बहुत ज्यादा है। इस बार तो महागठबंधन का सरकार है, कांग्रेस और बेमम का सरकार है, फिर भी यही हाल है। इससे पहले तो 2014 में था, भले इतना बड़ा था लेकिन होश था। क्या कहिएगा भैया, आगे आइए। अरे दो शब्द बोलिए। काम करते हैं। क्या कहिएगा, इस बार आप 24 पार कर गया। मोदी का कैसा काम लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का काम कैसा लग रहा है? काम ठीक है, सभी सरकार का काम ठीक है, समझे ना। किसी को ज्यादा कुछ पसंद आता है, किसी को कम पसंद आता है। आपको क्या लग रहा है इस बार सरकार चेंज होने का स्थिति आ रहा है? आप चाहते हैं कि सरकार चेंज हो? जी जी। मुद्दा कुछ है? मुद्दा यही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब चीज का समान दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल है जो हम लोग का डेली कमाने खाने के लिए। क्या बोल रहे हैं इधर आइए, महंगाई मुद्दा है बोल रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान क्या करते हैं आप? सर हम तो जो है मस्जिद में पढ़ाते हैं, मतलब इमामत करते हैं। क्या, अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं आपको? सर अपने जगह पे वो ठीक होंगे, लेकिन हम तो हमको तो समझ में नहीं आता जो है प्रधानमंत्री का काम। योजना तो उन्होंने बहुत दिया ठीक है, योजना जो है उसका लाभ जो है पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा था। योजना तो बनाया बहुत, लेकिन पब्लिक तक नहीं। चाचा एक तो चाय पी रहे हैं बहुत चुस्की लेकर के, उनसे ही बात करेंगे। क्या चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद निसार। हिंपड़ी के आप जी? क्या कहिएगा, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और जो है लोग
कहें एक तरह से पूरा चुनाव में का माहौल चल रहा है, आप लोग के दिन मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? सोचना क्या, सोचना यही है कि हमारा जो देश है वो सुकून से रहे, इत्मीनान से रहे और अच्छा सरकार आवे चुन करके। 10 साल मोदी जी रहे हैं, शासन में भी है अभी, कोई फायदा नहीं। कैसा काम किए मोदी? अपनी जगह में ठीक है, हम अपनी जगह में ठीक है। मोदी जो है सो जो भी काम किया गरीबों के लिए ठीक किया, आज उसी का देन है जो 5 लाख मिलने से कितने लोगों को भला हुआ। क्या 5 लाख? अरे जो आयुष्मान कार्ड से जो 5 लाख का लाभ मिला, बहुत लाभ मिला। अच्छा 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 बताइए, अच्छा क्या मुद्दा है इस बार, क्या लग रहा है आपको कि कुछ मुद्दा होता है कि ऐसे ही जो है मतलब भावना को देखते हुए बोल रहे हैं आप इस बार? नहीं नहीं, भावना को देखते हुए नहीं बोल रहे हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो भाई जो अच्छा काम करेगा वही सरकार बनाएगा। आप क्या चाहते हैं इस बार, बदलाव हो कि होना चाहिए? हर दफा बदलाव सरकार का होना चाहिए। एक सरकार अगर अपनी सीट में बैठा रहेगा तो अपना मनमानी चलाते रहेगा, अगर सरकार चेंज होगा तो देश का उन्नति होगी। किसे प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में देखना चाहते हैं आप? देखना क्या चाहते हैं, राहुल गांधी तो हमारे नजर में अच्छा ही है। और कोई राहुल गांधी के अलावा? राहुल गांधी के अलावा तो और कोई हिंदुस्तान में दिखता नहीं है। अब फॉर्जरी होगा तो फिर हमारा मोदी आएगा। कैसे फॉर्जरी हो जाएगा? अरे भाई कितना उलट फेर होता है वोट देने पे, गिनती रोक देगा। हाँ हो जाएगा। चलिए, आपका नाम क्या है चाचा? इसी से पूछिए ना, बताइए, पूछ लिए ना, बताइए ना। चलिए तो देखिए, हिंदपीढ़ी के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार मुद्दा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन, अख्तर हुसैन नाम है आपका, क्या करता है अख्तर जी आप? सिलाई। घर परिवार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है। चुनाव है, क्या कहिएगा इस बार, क्या माहौल है आप लोगों का इस बार? आपकी बार कांग्रेस सरकार, राहुल भैया जिंदाबाद। राहुल भैया जिंदाबाद, क्यों? क्योंकि वो अच्छा है हिंदुस्तान के लिए, हमारा भाई है, बेटा है, हम उसको नहीं चुनेंगे। मोदी जी बेटा नहीं है जी? नहीं, क्यों रहेंगे? 100 रुपए महंगाई पर हम लोग करवा रहे हैं। राहुल गांधी के टाइम 19 रुपए किलो चीनी खाए, इसकी राज में 50 रुपए किलो खा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या महंगाई टाइम के साथ नहीं बढ़ता है? कैसे बढ़ाएगा? किसी जमाने में 2 रुपया किलो चावल मिलता था कि नहीं? वो जमाना बहुत पीछे था, उस टाइम भी कांग्रेस से थी। अच्छा। कांग्रेस ही के राज में सस्ते थे, बीजेपी के नहीं थे। अच्छा। है ना, आप नाराज हैं मोदी जी के काम से? जी नहीं, कहीं खिलाफ रहूंगा, वो अपना जगह में है, वो केंद्र को संभाले। है ना, और जब इस बार राहुल भैया आएंगे 2024 का तो देखा। हेमंत सोरेन कैसा काम किए 5 साल? बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा काम किया उसने, जितनी तारीफ किया जाए उसके लिए कम है। क्या काम किया जैसे बताइए तो कुछ? बहुत अच्छा काम किया, हर चीज है, समझ गए ना, हर चीज, हर जगह के ब्रिज बनाए हैं, ऐसा बात नहीं है, घोटाला में चली गई है। तो देखिए, मिला जुला जो है रिस्पांस है, लोग जो है कह रहे हैं कि मोदी के काम तो बहुत ज्यादा, प्रधानमंत्री मोदी के काम से बहुत ज्यादा जो है संतुष्ट नहीं है और कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। इसी तरह से हिंदपीढ़ी के तमाम इलाकों में आपके, आपको जो है एक एक राय, लोगों की राय आप तक पहुंचाऊंगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in